सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन बार में। सो गाइस, आपने अभी तक तो ये सुन ही लिया होगा कि जियो ने लॉन्च किया है सबसे सस्ता प्लान और जिसकी कीमत है मात्र ₹1। जी हाँ, ₹1, जहां पर आपको जियो की तरफ से मिलने वाला है 100 MB डेटा जिसकी वैलिडिटी होगी 30 दिनों के लिए। अब यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो 30 दिनों की है और MB जो है वो 100 MB है। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या ये जियो का जो ये प्लान है, जो ₹1 वाला ये प्लान है, क्या हमारे लिए जितना इनके प्लान का प्राइस है उतना क्या बेनिफिट हमें प्रोवाइड कराएगा, यानी क्या 1% भी हमारे लिए ये प्लान बना है या फिर नहीं, या फिर जियो ने सिर्फ ऐसे ही एक सस्ता सा प्लान लॉन्च किया ताकि वो ये कह सके कि हमारा प्लान सबसे सस्ता है, या फिर कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं ये भी कह रहे हैं कि सबसे सस्ता जियो है। सो इसी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइस। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार अगर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करके इनेबल जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे देखने को मिल जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके ₹1 वाले प्लान में आखिर क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके ₹1 वाले प्लान में सिर्फ और सिर्फ आपको 100 MB डेटा देखने को मिलता है जिसकी वैलिडिटी होगी 30 दिनों की, और जहां पर आपको इस MB खत्म होने पे, जैसे इसका आपका 100 MB डेटा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो स्पीड है वो 64 KBPS की हो जाएगी, जहां पर आप अनलिमिटेड इंटरनेट जो है वो सर्व कर सकते हो। यानी 64 KBPS यानी आप WhatsApp वगैरह यूज़ कर पाओगे, किसी को चैट वगैरह सेंड कर पाओगे, बट स्ट्रीमिंग आप नहीं कर पाओगे, जैसे कि वीडियो देखना होगा यूट्यूब पे, तो आप वो सभी चीज़ें नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर कहा ये जा रहा है कि जो आपकी कॉलिंग है सिस्टम है, आप कॉल किसी को नहीं कर पाओगे, बल्कि आप कॉल रिसीव बस कर पाओगे 30 दिनों के लिए। यानी आपकी जो इनकमिंग है वो ऑन रहेगी, बट आप किसी को कॉल करोगे तो वो ऑन नहीं रहेगी, बाकी इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात ये आ जाती है, जो कि ये ₹1 वाला प्लान है वो किन के लिए है। आई थिंक आप सभी को मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास फ़ोन बस आते रहते हैं, वो कॉल नहीं करते, बल्कि उनके पास कॉल आते हैं, सामने वाला अनलिमिटेड कॉल वाला है वो कॉल कर रहा है। कई सारे ऐसे लोग आपके घर में ही होंगे, जैसे कि आपके दादाजी या फिर कोई और भी होगा, जो यहाँ पर फ़ोन सिर्फ इसलिए रखे हैं कि उनके पास कॉल आता है, वो कॉल किसी को नहीं करते हैं। अब जियो का क्या सीन है, जियो के पास यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास कोई 4G डिवाइस है तभी आप उसे कनेक्ट कर पाओगे, बट ये प्लान उनके लिए ज़्यादा है कि जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉल आते हैं, जो कॉल नहीं करना चाहते हैं। अब ऐसे लोग, यानी ऐसे लोग के पास तो 4G फ़ोन तो होगा ही नहीं, वो ऑब्वियसली एक कीपैड फ़ोन ही यूज़ करेंगे जिससे वो सिर्फ और सिर्फ कॉल रिसीव करते हैं। अब जियो का जो सिम है वो सभी फ़ोन में सपोर्ट नहीं करेगा, जो कि यहाँ पर 2G या फिर 3G फ़ोन होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 4G फ़ोन में सपोर्ट करेगा, या फिर आपके पास जियो फ़ोन होना चाहिए। सो ऐसे में आई थिंक मेरे लिए, मैं अगर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो जियो का जो ये प्लान है ₹1 वाला प्लान, ये किसी के लिए भी नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया गया है, या फिर यूँ कहे कि एक सिर्फ हवा उड़ाई जा रही है कि जियो का सबसे सस्ता प्लान है सिर्फ और सिर्फ ₹1 का। इसका बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। आई थिंक शायद आप ही अपने फ़ोन में कभी इसका रिचार्ज करें ₹1 का, जहां पर आपको 100 MB डेटा मिल रहा है, आई थिंक 1 मिनट के लिए भी आपके लिए सफिशियंट नहीं है ये 100 MB डेटा आज के ज़माने में, और इसी 100 MB डेटा का कोई भी वैल्यू नहीं है अभी तक, जो कि आप ₹1 का यहाँ पर रिचार्ज करते हो। आई थिंक आपको पता होगा कि ₹11 में भी आपको 1 GB डेटा जियो प्रोवाइड कराता है। सो ओवरऑल एक ही बात है, बट अगर जियो यहाँ पर अगर यही प्लान अगर मैं बात करूँ एयरटेल या फिर VI लॉन्च करती, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलती उन यूज़र्स को जो फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2G है, 2G नेटवर्क है, ऑब्वियसली आपके घर में जितने भी ओल्ड लोग होंगे वो 2G नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं, उनके पास बस फ़ोन आ रहे हैं। सो ऐसे में जियो का ये प्लान लॉन्च करना मेरे हिसाब से कस्टमर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जियो यहाँ पर शायद फ्री भी कर सकता है कि आप कॉलिंग ले, बट कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। आई थिंक अगर इसके साथ वो कम से कम 10 मिनट या फिर 20 मिनट की कॉलिंग प्रोवाइड कराता तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बात बनती। अगर यही प्लान ₹1 का प्लान यहाँ पर एयरटेल या फिर VI लॉन्च करती है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उनके सिम कार्ड जो है वो फीचर फ़ोन में भी सपोर्ट करते हैं, लाइक 2G नेटवर्क में भी चलते हैं। सो आई थिंक मेरे हिसाब से ये प्लान सिर्फ और सिर्फ
बात करने के लिए है, किसी काम का नहीं है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरा ओपिनियन से आप थोड़ा सा भी सहमत हैं तो कमेंट में जाकर आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और उन लोगों तक शेयर करिए जो ये कह रहे हैं कि जियो का सबसे सस्ता प्लान है। शायद ही कोई टेलीकॉम कंपनी इतना सस्ता प्लान निकालेगी, कोई भी सस्ता प्लान नहीं है जब तक वो प्लान आपके काम में न आए। सो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार अगर विजिट किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसी क्वालिटी कंटेंट वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे देखने को मिल जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।